मैंने बोला कि भाई ठीक है भाई नंबर नहीं आ रही है वो ठीक है मैं तो फिर मेरे को पता हूँ क्या करना पड़ता था पार्कों में जाके भागना पड़ता था क्योंकि घर वाले बोलते थे नहीं जिम क्यों जाना तुम्हें बस ये टाइम वेस्ट करो है ना जिम जाओ ये सब करो पढ़ाई तो करनी नहीं फिर मैं बस पढ़ फिर मैं घर पे पढ़ गया पढ़ गया फिर मैं घर पे फिर मोटा हो गया ये बस घर में पड़े रहते हैं मोटे होते रहते हैं बोला ठीक है भाई फिर मैं पार्कों में जाके भागने लग गया ये आवारा गर्दी करते हैं मैं सोचा भाई फिर मैं क्या करूं मैं घर पे एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दी मैं घर पे एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दी ये उधम मचाते हैं अब नौवीं दसवीं के लिए लड़के के लिए ना भाई ये चीज ना बड़ी वैसी होती है उसको ऐसा लगता है नहीं भाई मेरे को ना कुछ ऐसा करना है कि भाई अपना घर वाले चेंज हो जाए भाई उनको ऐसा लगे नहीं भाई दिस मूव ब्रो दिस मूव आई एम टेलिंग यू ब्रो दिस दिस सॉन्ग विल चेंज द फकिंग सीन वीरे तुम्हारे दिमाग में ना ऐसी चीजें आती है भाई अब न मैं ऐसा कुछ करूंगा कि घर वालों को लगेगा फक ब्रो ही प्लेट बट द थिंग इज तुम चाहे कुछ भी कर लो भाई समटाइम्स योर पेरेंट्स जस्ट लाइक टू फक विद यू मैन दे जस्ट लाइक टू फक विद यू अब मैं देखता हूं कि जो मेरा जो छोटा भाई है नंबर ठीक ठाक आते हैं भाई वो जिन जा रहा सब कुछ कर रहा है सब कुछ कर रहा मैं मैं एक दिन ना बस ऐसे ही आया और मैं बस बैठ गया यार पहले लड़के से ज्यादा प्यार नहीं करते हैं क्यों मिल रहा भाई से ये सब बच्चे होते हैं ना उनको भाई शुरू शुरू में लगता है मेरे छोटे भाई को ज्यादा प्यार मिलता है मेरे को तो मिला नहीं भाई मैं ग्यारहवीं में आके ये सब सोच रहा हूँ भाई कि यह सब क्या है भाई और साले का नाम भी जॉय रखा है भाई समझ रहे हो कि इस लड़के से हमारी जिंदगी में खुशी आई है मेरा नाम तो आपको पता मेरा नाम गुगुल कैसे पढ़ा पता कैसे मैं जब पैदा हुआ था ना उस रूम में एक और बच्चा पैदा हुआ था वो बंगाली था उस उस बच्चे का बड़ा भाई था एक ठीक है उस बच्चे का बड़े भाई का नाम था डुडुल बोलता ओ वाह क्या बढ़िया नाम है डुडुल अच्छा हमारा गुगुल सोचा भी नहीं भाई पेट नेम के लिए गुगुल रख दिया भाई